तो चलिए शुरू करते हैं एबीपी गंगा पर जिला पंचायत अध्यक्ष ई कॉन्क्लेव। और सबसे पहले हमारी गेस्ट हैं कानपुर नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल जी, बहुत स्वागत आपका स्वप्निल सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस विशेष प्रस्तुति में ही कंक्लेव। नमस्कार। बताइए, लगभग 85 दिन हो चुके हैं आपको जिला पंचायत अध्यक्ष का कानपुर नगर में कार्यभार संभाले हुए, क्या सबसे बड़ी उपलब्धि रही, क्या सबसे बड़ा काम किया इस बीच में आपने? जी, मेरे क्षेत्र का सबसे बड़ा हम लोगों ने जो काम किया है, अभी तक हमने अपने जिला पंचायत क्षेत्रों में कम से कम 30 जिला पंचायत क्षेत्रों का दौरा किया है और उसमें सर्वे करा लिया है। सबसे जो जरूरत आवश्यक चीज़ें हैं उनको हमको क्या करना है। तो क्या पाया आपने सबसे ज़्यादा आवश्यक कार्य दौरा करने के बाद, क्या लगा आपको कि इस कार्य को इन 30 क्षेत्रों में प्रायोरिटी पर किया जाना चाहिए? स्वप्निल जी, ज़्यादातर क्षेत्रों में सड़कें बनी हुई मिली हैं लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जगह पे या तो गड्ढे हो गए हैं या कुछ बीच से कट गई हैं जलभराव की समस्याओं के कारण, और उन्हीं पे हम लोगों ने सर्वे करके ये पहले निश्चित किया है कि सबसे पहले उन्हीं सड़कों का निर्माण किया जाए जो एक दो जगह पे ऐसी है कि बिल्कुल जगह छोड़ रही है, मतलब एक कनेक्टिविटी जो होती है वो खत्म हो रही है। सबसे पहले उन्हीं क्षेत्रों में हम कराएंगे काम। सिर्फ एक दो जगहों पर मिला, ज़्यादातर जगहों पर आपको सड़कें ठीक मिली वहाँ पर? जी नहीं, सड़कें पूरी तरह नहीं ठीक है लेकिन 70% ठीक है। अब सरकार ने ऐलान किया हुआ है कि 20 नवंबर तक सारी सड़कों में जितने गड्ढे हैं वो भर दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने, और अब आप भी कह रही हैं कि जो सड़कें जो दुरुस्त नहीं है उसको आप ठीक करेंगे। जी बिल्कुल। तो माना जाए कि जब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जब लोग वोट करने जाएंगे तो उनके जहन में ये बात रहेगी कि हाँ अब गड्ढे भर गए हैं सड़कों के, गड्ढे अब खत्म हो गए हैं, सड़कें दुरुस्त हैं, बिल्कुल सब ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चुनाव के पहले तक हम लोगों का पूरा ये प्रयास रहेगा कि लोगों को चुनाव में जब वोट डालने जाएं तो उनको ये महसूस हो कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बिल्कुल पूरी तरह से उनके लिए कार्य करने के लिए आई है और आगे भी यही उसका ध्येय है कि हमारे जो जनता है उसको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। हमारे मोदी जी का, योगी जी का एक लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमें इन तीनों ध्येयों को लेकर चलना है, सबके साथ चलना है और सबका काम करना है। जी, मैं आपका परिचय अपने दर्शकों को करवा दूं। आप एक बड़ी राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं, आप कमला रानी वरुण की बेटी हैं और एक राजनीतिक बैकग्राउंड आपको मिला हुआ है, आप राजनीतिक परिवार से हैं। इसका कुछ लाभ मिलता है आपको जब आप अपने पंचायत क्षेत्रों में जाती हैं और लोग आपसे ज़्यादा क्या बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, उनको लगता है कि हाँ आपको तो पहले से जानते हैं, आपके परिवार से परिचित हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो जिला पंचायत अध्यक्ष जगह मुझे कहीं बेटी, कहीं भांजी और कहीं बिटिया की तरह ट्रीट किया जाता है और मुझसे कोई भी बेधड़क कुछ भी समस्या होती है तो एकदम कोई भी ये संकोच नहीं करता कि मेरे पास क्या पद है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सम्मान, बहुत स्नेह मिलता है। मेरी माँ को आज प्रदेश में शायद ही कोई ना जानता हो और उनके नाम और उनके काम की वजह से, उनका जो इतना अच्छा व्यवहार और स्वभाव था उसकी वजह से आज मुझे वही, जो कहते हैं ना माँ बाप जो करते हैं उनको बच्चों को वो फल मिलता है, आज मुझे मिल रहा है और मैं अपने माँ बाप के प्रति ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा सब कुछ छोड़ा है। और मेरा भी ये एक काम बनता है कि मैं उनके नाम को आगे बढ़ाऊँ और उनके काम को आगे बढ़ाऊँ और उन्हीं की तरह स्वभाव लेकर सबके साथ एक साथ जोड़ के सबको अपने से स्नेह दूँ, सबसे स्नेह पाऊँ। बड़े अच्छे विचार लगे आपके स्वप्निल जी। देखिए, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में पंचायत अध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष होना, सिर्फ 75 ही जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश में और बहुत अच्छा खासा एक फंड आता है सरकारों की ओर से ताकि आप लोग तमाम कार्य करवा सकें अपने अपने जिला पंचायतों में। तो एक बात तो आपने बताई कि सड़कें आपको दुरुस्त करनी है, वो आपने जाके देख लिया है, लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि लोग आपसे खुलकर अपनी समस्याएं कह पाते हैं, तो क्या कहा लोगों ने आपसे जब से आपने ये पदभार संभाला है, क्या लोगों ने तकलीफें आपसे व्यक्त की और आप सड़कों के अलावा किन चीजों पर प्रमुखता से काम करने वाली? एक प्रमुख समस्या पेयजल की बहुत है लेकिन चूंकि हमारे मोदी जी ने इस पे पहले ही काम शुरू कर दिया है, हर घर नल, हर गांव में टंकी, तो हमने ये सब ग्रामीणों में विश्वास दिला दिया है कि आपको कहीं भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो पूरी की जाएगी किसी भी तरह से।
और एक दूसरी समस्या जल भराव की है, तो वो जल भराव की समस्या बारिश की वजह से अक्सर होती है, लेकिन उसका भी निवारण करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से उन समस्याओं को ग्रामीणों से को ठीक किया जाए कि ये समस्याएं जो हर वर्ष आती हैं उनको किस तरह से पूरी तरह ठीक किया जाए। इसके लिए नया प्लान क्या है आपके पास स्वप्निल जी? आपने बिल्कुल सही बात कही है, हमने अभी रिपोर्ट दिखाई इसी मानसून सीजन की, हमने दिखाया कि पूरे प्रदेश में कैसे जल भरा हुआ पड़ा है, गाड़ियां डूब रही हैं, गाड़ियां बह रही हैं, सड़कें तालाब नजर आती हैं और सब शहर के मेन इलाकों की तस्वीरें अपने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। तो ये कहा हर बार जाता है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, अगली बार आपको सब दुरुस्त मिलेगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है, दुर्भाग्यवश होता हमने ऐसे नहीं देखा है। तो आप इसमें इसको कैसे ठीक करने वाली, क्या नया प्लान है आपके पास? जी, नालों का निर्माण प्रॉपर ढंग से होना चाहिए और इसका हम लोगों के पास बजट आता है, इस पर भी सर्वे चल रहा है, एक टीम इस पर भी लगा रखी है हमने कि किस तरह कहाँ के नालों का निर्माण हो और पानी का भराव ना होने पाए, उसको प्रॉपर जगह जहाँ उसका निष्कासन किया जा सकता है वहाँ उसको निकाला जाए। और छोटी नालियाँ हम लोगों ने सड़कों के साथ दे ही रखी हैं कि ज़्यादातर जो ग्रामीण एरिया में नालियों की वजह से समस्या आ रही है उन नालियों का भी निर्माण होना चाहिए सड़क के साथ।